सो वी रियलाइज दैट लाइक यू नो हमारे पास काफी ज्यादा ऑनलाइन टूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए. सर लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे हम? म्यूट ओके. जो हमारे पास सबसे पहला टूल है विच इज बेसिकली फेसबुक सोशल मीडिया जहां जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. बट अदर देन दैट हमारे पास एक टूल होता है SEO विच इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. मे बी समटाइम जब हम एडवांस ट्रेनिंग्स की बात करेंगे विल टॉक अबाउट ऑल दैट. ब्लॉगिंग काफी ज्यादा लोग करते हैं जहां पे वो अपने लिए बिजनेस के नए लोग ढूंढते हैं. एडवर्टाइजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे फेसबुक पे या गूगल पे आप अपने एड चला सकते हैं. बट अदर देन दैट जो भी आपका सोशल मीडिया है आपका फेसबुक आपका लिंक्डइन आपका इंस्टाग्राम यहाँ पे आप काफी अच्छे से अपने बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ सकते हैं. So if we want to have a look how the typical social media funnel looks like, so that is how it is structured. So जो भी लोग अभी समझो कि Facebook पे हैं, the public, right? जो purple में हमने mention किया है, this is the like you know our prospect. इनमें से हमारा कोई भी prospect हो सकता है. So eventually, how is that we have to do our prospecting? हमें क्या करना है? हमें content create करना है. हमें अपने बारे में बात करनी है. हमें अपने बिजनेस के बारे में बात करनी है. हमें अपने अचीवमेंट्स हमें अपने गोल्स एस्पिरेशंस के बारे में बात करनी है. हमें अपने डे टू डे एक्टिविटीज जैसे हम वेलनेस सेशन अटेंड करते हैं हम अपॉर्चुनिटी मीटिंग अटेंड करते हैं हमने अपने टीम में नए मैनेजर क्रिएट करे हमें इन सब चीज़ों के बारे में ऑनलाइन बात करनी है और उसी बेसिस पे हमारे साथ लोग जुड़ने लग जाएंगे. दैट इज एज सिंपल नो एज इट इज. इट्स लाइक द ईजिएस्ट वे टू पुट इट. क्योंकि जब लोग हमारा कंटेंट देखते हैं दे गेट इंस्पायर्ड दे गेट इन्फ्लुएंस और उसी कंटेंट को जब हम प्रमोट भी करते हैं तो आई विल बी टीचिंग यू टुडे कि प्रमोट कैसे करना है और उसी से हमारी लीड जनरेट होती है. और एक बार लीड जनरेट हुई लीड इज बेसिकली कोई भी जो आपको इंटरेस्ट दिखाता है. मे बी मैंने आपके फेसबुक पोस्ट पे कमेंट किया या मैंने आपको मैसेज किया तो मैं एक लीड बन जाता हूँ और जो ही आप मुझे वापस रिप्लाई करते हैं हे सफीर थैंक यू सो मच फॉर योर डिटेल्स हमारा बिजनेस इस टाइप का है आपको ये करना होगा उसके बाद से मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ आई बिकम अ प्रोस्पेक्ट. तो जो मैं प्रोस्पेक्ट बन गया उसके पास देयर आर ओनली टू ऑप्शंस. वन इज लाइक यू नो या तो मैं आपके साथ वीआईपी कस्टमर ज्वाइन करता हूँ. आई एम श्योर लाइक यू नो आपको पता है कि वीआईपी कस्टमर इज लाइक यू नो समबडी हु जस्ट शोड इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट पार्ट ऑफ इट या आई कैन ऑल्सो परस्यू द अपॉर्चुनिटी. I'll take the questions later. अभी तो हमने ट्रेनिंग शुरू करी है. प्लीज विल टेक questions one by one. एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रहता है लाइक यू नो आफ्टर ट्रेनिंग आई विल बी वेरी विलिंग टू आंसर ऑल ऑफ इट. और जो भी हमारे पास या तो वो वी आई पी कस्टमर बन सकता है और somebody जो इंटरेस्ट दिखा सकता है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी में भी इंटरेस्ट है एंड दे वॉन्ट बी कंसल्टेंट विद अस राइट. And today we'll talk about one such tool जो कि Facebook है क्योंकि Facebook काफी ज्यादा effective है prospecting के लिए. And why is that? आपके पास Facebook account होना चाहिए आपके पास Facebook business page होना चाहिए. तो अभी हम ये सारा discuss कर लेते हैं. जो Facebook है there are certain facts अभी जो इंडिया है इंडिया ने ऑलरेडी यूएस को सरपास करके दिया है एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फेसबुक यूजिंग कंट्री. अगर हम बात करें तो आज के टाइम में वी हैव 242 मंथली एक्टिव यूजर्स जो फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं. अदर देन दैट इंडिया में जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे. द स्मार्टफोन कल्चर इज इंक्रीजिंग एंड इट मींस दैट विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years देयर विल बी अ टोटली न्यू रेवोल्यूशन जो फेसबुक रेवोल्यूशन होगा जो इंटरनेट एंड स्मार्टफोन का रेवोल्यूशन होगा विच इज ऑलरेडी हैपनिंग एक्चुअली. तो ये चीजें हमें ये पॉइंट आउट करती हैं दैट वी कैन नॉट एक्चुअली इग्नोर ऑनलाइन एज अ मीडियम और हमारा जो प्रेजेंस है वो फेसबुक पे बहुत बहुत मैंडेटरी है. नाउ Why is that you need to have a Facebook utilization for the business? It's very important. दो चीजें होती है Facebook पे. एक आप अपना profile create करते हो and I'm sure like you know all of you
will have your Facebook profile, जहाँ पे आप अपने daily activities, अपने friends बनाते हैं, you celebrate birthdays, you understand what other people are up to. Other than that, there is also something called Facebook page, जो सिर्फ business functions, जो सिर्फ business purposes के लिए use होता है. So today we'll understand the dynamics of the both. So prospecting के लिए आप क्या कर सकते हो Facebook पे? आप नए नए connection बना सकते हो. You can network with the like-minded people. अगर आपके पास एक बिजनेस पेज है, फेसबुक पेज है, तो आप वहां पे अपनी सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हो. आपके पास मैसेंजर है, आपके पास कमेंट सेक्शन है जहां पे आप लोगों के साथ बात कर सकते हो. आप अपने पेज को प्रमोट कर सकते हो. आप अपने डाउनलाइंस को कह सकते हो कि आपके पेज को ना थोड़ा माइलेज दे दे, अपने ग्रुप्स में, अपने नेटवर्क में बात कर सकते हो, सो दैट पीपल नो अबाउट योर पेज. अदर देन दैट, अगर आपको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना है, आई विल शो एक्चुअली लाइक यू नो द एग्जांपल्स ऑफ ऑल ऑफ दैट. लेकिन जो पेज का काफी क्रिटिकल फंक्शन होता है, वो लास्ट के तीन चीजें हैं. गेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट. इन टुमारोज टाइम में भी आपके पास अपना लैंडिंग पेज है, आपके पास अपना वेबसाइट है, और आप चाहते हो कि काफी ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को आके देखें, उसके लिए आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए जहां से आप अपने वेबसाइट को एडवर्टाइज कर सकते हैं. गेट रिव्यूज एंड इनसाइट्स. अगर आपको देखना है कि आपका कॉन्टेंट कैसा परफॉर्म करता है, अगर आप कोई भी चीज पोस्ट करते हो, तो आप इजिली ये जान सकते हो कि हाउ इज दैट कंटेंट परफॉर्मिंग, कितना लीड जनरेट हुआ, कितना एंगेजमेंट आया, कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया. सो यू हैव दैट कंट्रोल ओवर योर कंटेंट एज वेल. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट यू कैन हैव द टारगेटेड लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग. आप 50 रुपए से अपने कॉन्टेंट को बूस्ट कर सकते हो, और ये आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है, द फ्रीडम है, नो अदर प्लेटफॉर्म गारंटीज यू दैट. That's why it's very important that you are on to Facebook. You have a really nice presence. आप एक अच्छा content create करते हो और उसी content को promote करने लग जाओ आप. Also like you know, जब हम page की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं. Why is that I need a page? Page और profile में क्या difference है? मैं अपने page और अपने profile पे एक ही content post करूं? So the simple answer to it is that जो प्रोफाइल है वो आपका पर्सनल है. प्रोफाइल पे आप अपने बिजनेस या अपने पर्सनल ब्रांड को डिटरमाइन या पोजीशन नहीं करते उतने स्ट्रांगली. लेकिन पेज जो है, पेज का जो दूसरा नाम है फेसबुक पेज का, इट इज द बिजनेस पेज. इट मींस दैट इट्स एंटायरली बिजनेस ओरिएंटेड इन नेचर. यहाँ पे आप अपना पर्सनल चीजें शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ वो चीजें जो आपके पर्सनल ब्रांड, आपके पर्सनल बिजनेस और आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को एनहांस कर सके लोगों तक. सो अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें दोनों का, अगर आपको नए कस्टमर चाहिए, अगर आपको आउटरीच चाहिए काफी ज्यादा, आपको अपने पेज पे काम करना है. बट या लाइक यू नो, जो भी आप कंटेंट अपने पेज पे शेयर करते हो, उसी को आप अपने प्रोफाइल से भी शेयर कर सकते हो, सो दैट पीपल नो दैट कि आप ये पेज मैनेज करते हो, आपका ये कंटेंट जाता है. एंड आल्सो लाइक यू नो, प्रोफाइल इज अ गुड वे टू मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड ऑल. सो यू नीड टू हैव अ रियली नाइस प्रोफाइल एंड अ रियली नाइस पेज एज वेल. व्हाई? बिकॉज अगर आप ये इमेजिन करोगे कि पेज और प्रोफाइल कैसे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, जो पेज है दैट इज बेसिकली द एक्सटीरियर, लाइक यू नो आउटसाइड. अगर आपके पास एक काफी अच्छी कार है, तो जो उसका एक्सटीरियर है दैट इज योर पेज. बट इंटरनल आप एक ड्राइवर हो, यू आर ड्राइविंग दैट कार, द प्रोफाइल इज योर ड्राइवर. सो ट्राई टू हैव द रेलिवेंट, ट्राई टू हैव द ब्यूटिफुल, ट्राई टू हैव द इंस्पायरिंग कॉन्टेंट बोथ ऑन योर पेज एंड प्रोफाइल. नाउ दैट हमने पेज की बात करी है, वाई इज दैट यू नीड टू हैव अ फेसबुक पेज? These are some of the most critical reasons. We talked about few of them. आपके पास लिमिट है सिर्फ 5,000 फ्रेंड ऐड करने का फेसबुक प्रोफाइल पे. एंड ऑल्सो फेसबुक प्रोफाइल पे आपके रिलेटिव्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके कुछ दोस्त हैं. दे हैव नथिंग टू डू विद योर बिजनेस, राइट? सो यू कैन नॉट लिमिट योर बिजनेस टू जस्ट ओनली फ्यू फ्रेंड्स एंड ऑल. आपको 50,000, 5 लाख, 10 लाख, इवन 20 लाख और इवन लाइक 1 करोड़ लोगों तक अगर पहुंचना है, आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए. टुमारो अगर आपको अपने कंटेंट को प्रमोट करना है, अपने कंटेंट को एडवर्टाइज करना है, आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए. नेटिव स्केड्यूलिंग,
ये काफी ब्यूटीफुल फीचर है, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर एज वेल. आप पहले से अपने कंटेंट को प्लान करके स्केड्यूल कर सकते हैं. आपको कल का पोस्ट चाहिए वो आज आज ही आप स्केड्यूल कर सकते हैं. आप 5 दिन बाद का पोस्ट, 15 दिन बाद का पोस्ट आज से ही स्केड्यूल कर सकते हैं अपने कंटेंट को. इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट चलता जाएगा अपने स्लॉटेड टाइम पे और आप अपने डेली बिजनेस प्लानिंग सेशन, फॉलो अप, लीड जनरेशन वो करते रहिए. इससे आपका सोशल मीडिया हैम्पर कभी नहीं होगा. ऑफ कोर्स आप अपने रिव्यूज, आप अपने मैसेज को मैनेज कर सकते हो काफी अच्छे से. एंड जैसे मैंने ऑलरेडी कहा दैट लाइक यू नो यू विल हैव द एक्सेस टू इनसाइट्स. आपको पूरा पता चलेगा कि आप कितना स्पेंड करते हो फेसबुक पे, आपके कंटेंट कैसा परफॉर्म करता है, कितने लीड जनरेट हुए, कितने लोग एंगेज हो गए, कितने आपने इंप्रेशन जनरेट किए. आफ्टर सून आफ्टर दिस ट्रेनिंग मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो भी दूंगा हाउ टू डू दिस सो दैट यू हैव अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग. ओके, जब हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं, हाउ इज दैट यू स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग ऑन फेसबुक? वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट यस्टरडे अ बिट ऑफ इट. सबसे पहली चीज जो आप करेंगे, आपको एक पेज क्रिएट करना है एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सोशल मीडिया. सो इट मींस अ नाइस प्रोफाइल पिक्चर, अ वेरी वेल प्लान्ड ब्रांड नेम, अ नाइस कवर इमेज and about section. It has to be complete. Why? क्योंकि Facebook क्या करता है, ये हर एक account को एक authority देता है, एक ranking देता है. और वो ranking इसी चीज पे determine होती है कि आपकी profile picture कैसी है, आपके cover image कैसा है और आपका about section complete है कि नहीं है. That is very very important. अगर आप देखोगे अभी just today only I was just checking some news, तो Facebook क्या कर रहा है, जो भी पॉलिटिकल एड्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के एड्स हैं, अगर वो किसी भी ऐसे अकाउंट से आए जो हल्का सा भी सस्पिशियस है, वो अप्रूव कभी नहीं होंगे. दैट इज वाई अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों के एड डिसअप्रूव हो रहे हैं, बिकॉज फेसबुक इज बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट विद इट्स पॉलिसीज. एंड हाउ टू एक्चुअली एलिमिनेट दैट, वन सिंपल एंड इजी ट्रिक इज आप काफी ऑथेंटिक और आप काफी ओरिजिनल रहो अपने कॉन्टेंट को लेके, अपने ओवरऑल प्रेजेंस को लेके. द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज You will organize your profile. You will have like a nice picture, a cover image, and the about section जो काफी complete है. उसके बाद आप decide करोगे कि आपको कैसा content create करना है. You need to create good content जो captivating हो, जिसमें कुछ value हो, जो लोग पसंद करें. And जो भी वो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं वो कंटेंट देख के, यू हैव टू इंटरेक्ट विद देम, यू हैव टू एंगेज ऑल दोस पीपल फॉर योर बिजनेस. सो दैट इज वन इजीएस्ट वे टू वर्क ऑन फेसबुक. आई ऑलरेडी गेव दिस एग्जांपल, अगेन आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कट प्रेजेंस. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, Guys, please mute your speakers. So prospecting mein very important